उनको भी रोजी रोटी के लिए वापस लौटना पड़ा। लेकिन हम लोगों ने तय किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने और यहां हमने राज्य सरकार ने कि कोरोना के कारण गरीबों को परेशानी नहीं होनी चाहिए और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण पैकेज दिया और मध्य प्रदेश सरकार ने हमने कई सुविधाएं अपने गरीब बहनों और भाइयों को दी। एक तो मजदूरी मिलती रहे, काम धंधा मिलता रहे, इसलिए मनरेगा के काम बड़े व्यापक पैमाने पर शुरू किए गए और पिछले साल से मजदूरों की संख्या देखें तो डेढ़ गुने से ज्यादा बहनों और भाइयों को काम दिया। हमने एक अभियान चलाया श्रम सिद्धि अभियान, जिनके पास जॉब कार्ड नहीं थे नए जॉब कार्ड बना के दिए गए, 15 लाख नए जॉब कार्ड बनाए और 80 लाख से अधिक प्रदेश के हमारे मजदूर भाई बहनों को रोजगार उपलब्ध करवाया। एक योजना और, गरीब कल्याण अन्न योजना। अब जब मैं मुख्यमंत्री बना तो हमने मार्च में ही मई तक का राशन 3 महीने का इकट्ठा प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न गेहूं या चावल, 1 किलो नमक जो मिलता वो इकट्ठा दे दिया था और फिर प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 किलो खाद्यान्न प्रति व्यक्ति और 1 किलो दाल प्रति परिवार वो निःशुल्क ही दी गई ताकि किसी गरीब भाई बहन को कोई दिक्कत ना हो। एक और आपको खुशखबरी है, कई ऐसे भाई और बहन जो थे तो गरीब लेकिन राशन के लिए पात्रता पर्ची नहीं थी उनके पास, जब भी कहीं जाते थे, बीच में तो हमारी सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की 1.5 साल कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन हम जहां जाते थे वहीं कई हमारे मंत्री जाएं, विधायक सांसद जाएं, अधिकारी जाएं, एक ही बात आती थी हमारे पास, हमें राशन नहीं मिलता। अब ऐसे 37 लाख गरीब भाइयों और बहनों को ये पात्रता पर्ची जारी कर दी गई है और 1 सितंबर से उन सबको भी राशन मिलेगा। गरीब की थाली कभी रहे ना खाली, भरपेट भोजन मिले, भूखे भजन ना होए गोपाला। और अभी तो नवंबर तक माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत और अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत कुल मिला के 1 व्यक्ति को 10 किलो खाद्यान्न मिलेगा। अगर 5 सदस्यों का परिवार है तो 50 किलो मिलेगा, 10 का है तो 1 क्विंटल मिलेगा और उसके साथ साथ आयोडाइड नमक और केरोसिन भी 1 सितंबर से उपलब्ध करवाया जाएगा। कलेक्टर से उन सबको मैंने निर्देशित किया है कोई का नाम छूटे ना, 31 अगस्त तक भी वो नाम जुड़ सकते हैं जो पात्र हैं, गरीब हैं और जिनको लाभ नहीं मिल रहा।
फिर जब पिछली दूसरी सरकार आई थी तो उसने हमारी संबल योजना ही बंद कर दी थी। संबल योजना हमने फिर से चालू कर दी। गरीब बेटा बेटियों की पढ़ाई निःशुल्क, चाहे वो बड़ी क्लास में पढ़े तो निःशुल्क फीस सरकार भरेगी, वो इंजीनियरिंग की करे डॉक्टरी की करे तो भी फीस सरकार भरेगी, हम भरेंगे, हमने तय किया। उस योजना को बंद कर दिया था। बेटियों की शादी हुई नहीं हुई तो पैसा दिए नहीं। बहनों को जो डिलीवरी पे पैसा मिलता था वो बंद कर दिया गया था। एक्सीडेंट पे मौत पे 4 लाख, सामान्य मृत्यु पे 2 लाख और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 देते थे, वो तक बंद हो गए थे। अब वो संबल योजना भी हमने फिर से चालू कर दी। एक नहीं, ऐसे कई कदम। जैसे शहर में अगर कोई फुटपाथ पर सामान बेचता है, चाय की गुमटी, पान का ठेला, सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है, मोची भाई है, नाई भाई है, टेलर भाई है, बसोड़ है, अलग अलग काम करने वाले कई तरह के गरीब, उनके लिए अभी स्ट्रीट वेंडर योजना शुरू की गई है पीएम स्वनिधि। उसमें 10,000 रुपए का बिना ब्याज का लोन मिलेगा, गारंटी सरकार लेगी, 7% केंद्र सरकार भरेगी, बाकी हम राज्य सरकार प्रधानमंत्री जी की तरफ से 7%, बाकी सब हम भरेंगे। और जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए हमने योजना बनाई उसका पूरा ब्याज मध्य प्रदेश की आपकी सरकार भरेगी, हम भरेंगे, ताकि उनका काम धंधा चालू करवाया जा सके। एक और कोरोना काल में शिकायतें मिल रही थी कि कई ऐसे सूदखोर थे जिनके पास लाइसेंस नहीं था, ब्याज पर पैसा देने का, लेकिन अवैध तरीके से, गलत ढंग से और ऊंचे ब्याज की दरों पर 25-30% महीना पैसा देके और ब्याज वसूलते थे। उसमें गरीब बर्बाद हो जाता था। हमने तय कर दिया 89 जो हमारे ट्राइबल ब्लॉक है उनमें यह वसूली नहीं होगी, वो कर्जा शून्य हो गया। और बाकी में भी गरीबों के लिए हम ये योजना बना रहे हैं। जो हमारे आदिवासी भाई बहन वनाधिकार के पट्टे से वंचित थे और पुराना कब्जा था, पुराना कब्जा जिनका 2006 के पहले, उनको पट्टा देने का अभियान चल रहा है, लेकिन अपने मध्य प्रदेश का 30% क्षेत्र वन क्षेत्र है, जहां जंगल है, फॉरेस्ट है, और हमारे जंगलों में अनेक प्रकार की वनोपज है, और वनों में रहने वाले, जंगल में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन या अन्य गरीब भाई बहन, इनकी रोजी रोटी भी इस वनोपज से जुड़ी हुई है। अब इस बार मुख्यमंत्री बनते ही हमने पहले भी शुरू किया था, हमने देखा कि अचार की गुठली हो, बहेड़ा हो, हर्रा हो, बैलगुदा हो, चकोड़ा बीज हो, शहद, करंज बीज, लाख कुसमी, लाख रंगीनी, महुआ गुल्ली, महुआ फूल, नीम बीज, नागरमोथा, साल बीज, अभी कई बार मिट्टी के मोल बिक जाते थे। हम एक बार पातालकोट छिंदवाड़ा जिले में गया था, वहां अचार की जो चिरौंजी थी वो
वो मट्टी के मोल ली जाती थी। आदिवासी को, गरीब को उसकी कीमत नहीं मिलती थी। हमने तय किया कि हम जैसे गेहूं चना का समर्थन मूल्य तय करते हैं, वैसे ही इन सब चीजों का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेंगे। मतलब कम से कम इतने पे बिकेगी और इससे नीचे बिकी तो सरकार खरीदेगी। और हमने अचार की गुठली हमका 130 रुपया किलो से कम अगर बिकी तो हम खरीदेंगे। बहेड़ा 25 रुपया, हर्रा 20 रुपया, बेलगुदा 30 रुपया, शहद 225 रुपया, करंजवी 40 रुपया, लाख कुसमी 275 रुपया किलो, लाख रंगीनी 200 रुपया किलो, महुआ गुल्ली 35 रुपया किलो, महुए का फूल 35 रुपया किलो, नीम का बीज 30 रुपया किलो, नागरमोथा 35 रुपया किलो, साल बीज 20 रुपया किलो, ये हमने रेट घोषित कर दिए। और ये रेट घोषित किए तो एक बड़ा फायदा ये हुआ कि हमने तो कम खरीदना पड़ा, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग 2300 क्विंटल महुआ का संग्रहण वनोपज संघ ने किया। लेकिन जब हम खरीदने लगे तो व्यापारी 40 रुपया 35 रुपया से ऊपर खरीदेगा, 50-56। तो हमारे मैदान में कूदने के कारण गरीब को अच्छा रेट मिल गया, क्योंकि हमारी कोशिश यह कि आपके पसीने की कीमत आपको पूरी मिले। वनोपज पर आपका हक है, वो मिट्टी के मोल क्यों बिके? और ये नीति हमारी जारी रहेगी, वनोपज को मिट्टी के मोल नहीं बिकने देंगे, हर साल उसकी कीमत तय करेंगे, उसके नीचे बिकी तो सब हम खरीदेंगे और ऊपर बिकी तो ये तो हम चाहते ही हैं। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, 15,88,000 मानक बोरा तेंदू पत्ता भी संग्रहण किया गया है, तेंदू पत्ता की तुलाई हुई है, और 397 करोड़ मजदूरी का भुगतान भी किया गया है। अभी 397 करोड़ मतलब लगभग 400 करोड़ रुपया ये गरीब की के घर में गया है। तो ये वनोपज प्लस तेंदुपत्ता मिलके, तेंदुपत्ता भी वनोपज ही है, कई गरीबों का फायदा हुआ है। अकेले तेंदू पत्ते ही 33 लाख लोगों ने तोड़े, और हमने 218 में जो तेंदू पत्ता तोड़ा गया था उसका बोनस भी 183,94,00,000 रुपया बांटा है। एक ही लक्ष्य है, विजय साय जी बैठे हैं, वन मंत्री भी, आप सबका जीवन सुखी हो, बच्चे ढंग से पढ़े लिखे, इसे पढ़ाई की व्यवस्था हम करते ही हैं। अभी जरूर स्कूल बंद है कोरोना में, अभी स्कूल नहीं खोल रहे हैं, भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से हम चलेंगे, और कोरोना में आप भी जरा संभल के रहना, बीमारी बुरे हैं, सब सबके मुंह पे मसूका बंद गए हैं। पहले पुराने जमाने में जब थ्रेसर हार्वेस्टर नहीं होता था तो दावन होती थी, दावन जिसमें अपने बैल गाय सब जोत देते थे और वो फसल के ऊपर चलती थी, दावन हो जाती थी और बाद में उड़ा के उसी में से भूसा अलग और अनाज अलग। अब जैसे बैलों के मुंह पर मसूका बनता था, वैसे आदमियों के मुंह पर बन गया कोरोना के कारण। लेकिन ये जरूरी है। अब मैंने भी अभी बोलने के लिए निकाला, लेकिन दूर दूर बैठे हम, बगल में नहीं बैठे। एक तो दूरी बना के रखना, और दूसरा मौका ये मास्क बांधे रखना,
यही कोरोना से बचने का इलाज है। अच्छा, बच के रहना है, नहीं तो मैं फंस गया इसमें। खूब मिलता था लोगों से, कई कहते थे मामा फोटो खिंचवा लो, तो बिना मास्क के ही हमने फोटो खिंचवा ली, तो कोरोना ने हमको ही पकड़ लिया। 12 दिन अस्पताल में रहे, फिर और 10 दिन घर में अकेले रहना पड़ा। आप इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सरकार आपके साथ है, आपकी जिंदगी में खुशियां आए, ये हमारी जिंदगी का लक्ष्य है। इसलिए मुझे लगा कि अब आजकल कोरोना में वैसे तो मिल नहीं सकते जाके, तो मैंने कहा ऐसे ही वीडियो पे, स्क्रीन पे, टीवी पे ही मिलो, तो ऐसे ही बात करने की कोशिश करता हूं। याद तो बहुत आती है आप लोगों की, जी करता हाथ मिलाएं, गले लगाएं, लेकिन कोरोना में कर नहीं सकते, क्या करें। अच्छे कब जाएगा इसका भी अभी ठिकाना नहीं है पूरा, तो मैंने कहा ऐसे ही मिले, तो आज आपको देख के बड़ी खुशी हुई है। और मैंने कहा कि कुछ चर्चा भी आपसे कर ली जाए, इसलिए बात समाप्त कर रहे हैं। अब कुछ साथियों से हम चर्चा करेंगे। यहां चंदेरी के नोना आत्मज दरुआ बैठे हैं क्या? क्या हाल है नोना भाई? राम राम। ठीक हो? आपने क्या तेंदू पत्ता तोड़ा था क्या? अच्छा, तो मजदूरी मिल गई कि नहीं मिली? टाइम पे मिली कि देर से मिली? ऐसा तो नहीं कह दिया कि मुख्यमंत्री पूछे तो कह देना मिल गई? नहीं नहीं नहीं, मुझे भी बड़ी खुशी आपसे मिलके। कितने वर्षों से तोड़ रहे हैं अपन तेंदू पत्ता तोड़ाई के काम? अच्छा अच्छा कितने रुपया मिल पाए मजदूरी के? मजदूरी के पैसे तो सारा में 5 रुपया से पर मिला तो पत्ती जोड़ी हमने। फिर इसके बाद में बड़े पर अब जो है अब अच्छा हमें अब हमारे लिए जो है अगर मजदूरी भी नहीं मिले तो अभी निकालता है पत्ती जोड़ते हैं, पत्ती का पेमेंट होता है, इसके बाद में हमें बोनस भी मिलता है, उससे जो है हमारा साफ गुजारा हो जाता है। अच्छा, अपने जिले में महुआ भी होता है क्या? महुआ होता है। तो महुए का फूल भी बीना था क्या? महुआ का फूल बीनते हैं और उसका फल भी बीनते हैं। अच्छा अच्छा, वो फल भी बीनते हैं और उसके बिक जाता है अच्छे से? अच्छे से बिक जाता है? अच्छे से बिक जाता है। इस बार क्या भाव बिका? 40 40। तो हमने तो तय कर लिया था कि 35 से कम बिका तो हम खरीदेंगे सब, इसलिए उससे ज्यादा ही बिका। हाँ, सुन ली थी पहले। चलिए, आपको बहुत बधाई, आपके सब साथियों को बधाई, और वन मंडलाधिकारी और बाकी मित्र भी जरा ध्यान रखें गरीबों का। हमारे करतार सिंह जी पिपरौदा ओबारी शिवपुरी जिले से हैं। नमस्कार सर, ये करतार सिंह की बात कर रही हूँ। प्रणाम। प्रणाम, कैसे हो करतार भैया? बढ़िया। क्या आपने वनोपज में कौन सी वनोपज का संग्रह किया था?
नहीं क्या आपने अच्छा अच्छा कितना पैसा मिला उसका मजदूरी का? 11,400। टाइम पे मिल गया था? परेशानी तो नहीं हुई कोई? नहीं। बाकी गांव में सब ठीक ठाक है? सब बढ़िया। अभी कोई कोरोना वाला तो नहीं है? नहीं। हाँ तो बिल्कुल ध्यान रखें, गांव में नहीं गया, शहरों में ज्यादा आ गया, क्योंकि शहरों में इकट्ठे होते हैं ना, भीड़ इकट्ठी होती है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो गांव में सावधानी बनाए रखना है। ये राशन मिलता है आपको? गरीबी तो पर्ची अभी बनी कि नहीं बनी? अभी नहीं बनी। एक बार ध्यान दें इस पे, एक सितंबर से नए नाम जुड़ने वाले हैं सेलवंदर, तो कलेक्टर से पूरी से बात करके, कलेक्टर नहीं होंगे डीएफ होंगे, हाँ तो बात करके करते हैं, हाँ बता दें यहाँ से भी बता दें। ठीक है भैया, करता है। इसके बाद सीहोर जिले के लाड़कुई से ध्यान सिंह है। क्या हाल है ध्यान सिंह? बढ़िया है साहब। लाड़कुई में क्या हाल है? अच्छा है लाड़कुई में भी सर? अच्छा बीच में तो हट गए थे हम, तो सही में खुशी हुई? अच्छा, इस बार क्या तेंदू पत्ते की तुड़वाई की थी आपने? अच्छा, तो पैसा मिल गए थे? हाँ मिल गए। कितने मजदूरी कितनी मिली? 6,000 मिले साहब। अच्छा, कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं कोई परेशानी थी। और महुआ भी होता है थोड़ा अपने यहाँ? महुआ का फूल भी पीना था क्या? हाँ महुआ फूल भी पीने साहब। तो महुआ फूल कहाँ बेचा, बाजार में बिका या? रेंज में ही दी थी। रेंज में कितने पैसे मिले? 35 रुपए किलो के हिसाब से मिले। 35 रुपए किलो। चलिए बधाई। और सब ठीक ठाक है? हाँ सब बढ़िया। सबको राम राम कहना, फिर जल्दी आता हूं मैं। हाँ, गुना के कप्तान सिंह। कप्तान सिंह की बात करेंगे सर। कैसे हो कप्तान भैया? अच्छा, पैसा मिल गया कि नहीं? पैसा मिल गया, 6,000 रुपए मिले। 6,000 रुपए मिले, आप संतुष्ट हो? कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं कोई परेशानी नहीं हुई। और 2018 का बोनस भी मिल गया था, 9,000 रुपए। अब बोनस भी सबको मिल गया था? हाँ मिल गया। ठीक है, अभी 2018 का मिला, अब 19 का मिलेगा ना? 19 का और बाद में 20 का, तो 19 की भी योजना बना ले अपन, कब देंगे। बाकी गांव में क्या हाल है? सब बढ़िया है सर। कोरोना से तो बचे हैं ना सब? नहीं सर, बिल्कुल बच रहा है, कोई परेशानी नहीं। चलिए बहुत अच्छे हैं। अनूपपुर के विश्वनाथ सिंह। बैठ के बोलिए विश्वनाथ जी। कैसे हैं? अच्छे हैं। आ क्या तेंदुपत्ता भी तुड़वाई की थी क्या आपने, तेंदुपत्ता तोड़ने का? अच्छा अच्छा, पैसे उसके पूरे मिल गए? पूरा मिल गए। अच्छा अच्छा, 4,150 मिले। और आपके यहाँ तो महुए की फूल भी होती है, गुल्ली भी होती? जी सर, महुए भी 5 क्विंटल दिए। 5 क्विंटल? अच्छा, फिर कहाँ रेंज में दिए या बाजार में बेचे? वो खारे से लेके बनिया सर। बनिया? अच्छा, बनिया लेगा घर से। क्या भाव ले गए? 45 रुपए। बहुत अच्छे, मतलब सही कीमत मिल गई। जी सर।
हम लोगों ने तय किया था कि 35 से कम में बिका तो हम खरीद लेंगे, तो उससे भी कीमत बढ़ गई है। बाकी इसमें राशन कार्ड है आपके पास? अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा गांव में? ये अभी फ्री का भी दोनों अनाज, 1 रुपया किलो वाला और 5 किलो, हाँ निःशुल्क, तो दो ही मिल रहे हैं अभी? नहीं, 2 महीना का मिला था तो फ्री में। हाँ, और 1 महीना का कैसा लगाते नहीं, इसके पहले मार्च में 3 महीने का मिला होगा ना? 2 महीना का फ्री मिला था, 1 महीना का पैसा लिया, 3 महीना के कट कर दिया। अच्छा, 1 रुपया लिया होगा 1 किलो का? हाँ, 1 रुपया। हाँ, बाकी हर महीने, हाँ, बाकी हर महीने मिल जाता है या? हाँ, हर महीने मिलता है। कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, गांव में सब ठीक है। भैया कोरोना से बचे रहना सब है। नहीं, अपने नहीं है, गांव के लोग ज्यादा समझदार हैं, शहर में भीड़ भाड़ करते हैं ज्यादा, इसलिए हो जाता है। हाँ, तो सभी बहन भाइयों को बहुत बधाई, आप हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही प्रार्थना भगवान से है। और अनूपपुर तो मैं आने वाला हूं, धीरे धीरे अब निकलना शुरू करेंगे, कोरोना रोक रहा है लेकिन फिर भी अब निकलना तो पड़ेगा ही, है ना? सबको नमस्कार जी। सर, ये लोकार्पण एक यूनिटी किट बनाई है, ये अपन ने पूरा साइंटिफिकली चेक कर लिया ना? हाँ जी सर, विंध हर्बल का है सर, अपना। हाँ नहीं, अपना है लेकिन सब, हाँ जी सर, लैब में टेस्ट वेस्ट हो गया। आइए विजय जी। इसको अनाउंस कर दो, क्या लॉन्च कर रहे हैं वो अनाउंस करो ना। ये विंध हर्बल की तरफ से फेडरेशन से हम लोगों ने एक इम्यूनिटी किट बनाई है, जो कि जिस तरह से जिसमें त्रिकूट, अश्वगंधा, गिलोय, ये सब आपके जो प्रतिरोधक क्षमता है कोरोना से लड़ने की, उसके सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनका एक किट बना है जिसका लोकार्पण। इसका मतलब यह है कि अपने वनों में जो औषधियां होती हैं, उन औषधियों का ढंग से प्रकार, ढंग से अगर हम सेवन करें तो बीमारी हो ही नहीं सकती कई तरह की। ये कोरोना के कारण भी कई तरह की आयुर्वेदिक औषधि उसमें बहुत उपयोगी है। इन्हें ये त्रिकुट चूर्ण बनाया है, त्रिकुट चूर्ण यह हमने फ्री में बांटा था इसलिए कि कोरोना ना हो। ये गिलोय है, गिलोय चूर्ण, गिलोय तो आप जानते ही हैं, उसका चूर्ण है, ये भी कोरोना के इलाज में काम आता है। ऐसे ही कई चीजें ने बनाई है, अश्वगंधा, अश्वगंधा काल में गए, संसमनी बट्टी है और शहद भी शुद्ध है, ये मधुमक्खी वाला अपने गांव, अपने जंगलों का है, जंगलों का हम वहां से कलेक्ट करते हैं सर, जो आपने बढ़ाया सर। ये शक्कर अक्कर मिला के तो नहीं, नहीं सर, अपना है सर। ये तो अपना है सर, जो आपने एनएसपी बढ़ाया है सर। हाँ वो सर, सुपर है बस। अच्छा, पर्याप्त शहद मिल जाता है जंगल में। और ये हर्बल चाय है, अर्जुन की छाल से, अर्जुन की छाल से बनी चाय, ये भी बहुत फायदा करती है। तो ये अपने वनों पर संग्रह विंध्या हर्बल अपना ब्रांड है, उससे बनाया है। और ये अणु अणु तेल, ये नाक में डालते हैं सर, इससे मतलब बहुत ज्यादा मतलब छींक में सर्दी वायरस वायरस में फटकता नहीं, गले तक जाता है सर, बहुत तेज आवाज, मतलब हम खुद यूज कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, चल तो इसको अब आज इसका लोकार्पण कर रहे हैं। वो दिखा रहे थे ठीक है, चलिए बढ़िया। ये कितने रुपए में दे रहे हैं सर? 480 का रुपया पैकेट है सर। ये सर